Yes. So yes, class 10th. Now exercise 6.5, question number 2. I'm not going to do question number 1 because I had given you as homework, right? So you are all going to do that question. Okay, now question number 2 is PQR jo hai, it's a right angle triangle jisme angle P jo hai, it is 90 degree aur M aisa point hai QR pe jiska matlab ye hai ki jo ye PM ban raha hai that is perpendicular to QR. That means ye jo angle M hai na ye bhi 90 degree hai. अब हमें प्रूफ क्या करना है दैट पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम डॉट एमआर. अब ध्यान से अगर आप देखो, पहले इसको अच्छे से देख लो. पीएम स्क्वायर मतलब ये रहा, राइट. क्यूएम कहाँ है, ये रहा. एमआर कहाँ है, ये रहा. तो इसका मतलब हमारी पाइथागोरस थ्योरम तो कहीं पे सेट नहीं हो रही. अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर आप इसको एग्जैक्टली देखो तो एक आपका ट्राइंगल बन रहा है पी क्यू एम, राइट, पी क्यू एम, ओके. और एक आपका बन रहा है पी एम आर. ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, है ना. अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, इन ट्राइंगल्स पी क्यू एम एंड पी एम आर, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है. क्लियर है बात मेरी. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये सिमिलर हो गए. ठीक हो गया, क्लियर है बात. अब सिमिलर है तो सिमिलर वर्ड आते ही कैसी घंटियां बजती हैं कि सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं और हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम प्रपोर्शन में होती है. सो अब अगर आप इसका ये परपेंडिकुलर लो, ये हम इसका बेस ले लेते हैं, तो इसका बेस ये हो जाएगा. मतलब हमारा जो पहला ट्राइंगल है उसका बेस क्या होगा बेटा, हमने ले लिया पी पी एम ओवर यस क्यू एम, ठीक है, इट इज इक्वल टू एम आर यस ओवर यस क्या लेंगे पी एम, ठीक है. तो अगर आप हम इसको क्रिस क्रॉस कर दें तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा. सो पी एम इंटू पी एम इज पी एम का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू एम आर डॉट क्यू एम. This is what we had to prove. तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन हमें 90 डिग्री दिया गया था. सबके दिमाग में ये आ जाता है 90 डिग्री है तो इसका मतलब कुछ हमने पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड करना है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, राइट. वी डिडंट डू एनीथिंग रिलेटेड टू पाइथागोरस थ्योरम. हमने सिमिलैरिटी का यहाँ पे यू नो पूरा फुल टू यूटिलाइज किया उसको, ठीक है. तो उस कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है आपने. चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी, शीतल वाज नॉट वेल, शी कॉल्ड मी अप, तो बस वही नहीं है अभी तो, ठीक है. देखो ये फिगर हमें गिवन है, इसमें वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी और एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है और उसके साथ में हमने ए से एक लाइन ड्रॉ की टुवर्ड्स बीडी एट स्ट्राइकिंग बीडी एट सी, तो वो भी हमने परपेंडिकुलरली ड्रॉ की. अब फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, हम पहले ए पार्ट के लिए करेंगे. ए पार्ट इज ए बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू बी सी डॉट बी डी. अब इसको हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये चीजें हैं. ए बी तो ये रहा, बी सी ये रहा, बी डी कहाँ है, ये फुल लेंथ है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें यहाँ पे भी अगेन वी हैव टू यूज द सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आप देखो इसमें इंटू का आ रहा है तो इसका मतलब कुछ प्रोपोर्शनल साइड आई होंगी और हमने उसको क्रिस क्रॉस कर देना है, राइट. सो जब हमने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया था, हमने ये कहा था जब भी कोई एक मतलब आप एक हाइपोटेन्यूज की तरफ एक लाइन ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलरली तो दो ट्राइंगल फॉर्म होते हैं, वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो एक दूसरे से भी सिमिलर होते हैं और दोनों के दोनों अलग अलग पूरे बड़े ट्राइंगल से भी सिमिलर होते हैं. तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे छोटा ट्राइंगल. छोटा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, अब हमारे पास हमारे को चाहिए क्या क्या है, देखो बेटा हमें चाहिए ए बी, ठीक है, और हमें चाहिए बी सी, राइट, एंड वी नीड बी डी, फुल बी डी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्राइंगल वी विल टेक इज ए डी सी, ठीक है, हमने ये प्रूव कर देना है. पहले तो हमें लेना पड़ेगा पूरा बड़ा ट्राइंगल ए बी डी, देन वी विल टेक फर्स्ट पार्ट के लिए तो इट शुड बी स्मॉल स्मॉल वन ट्राइंगल विच इज ए बी सी, ठीक है, समझे मेरी बात. नहीं देखो यहाँ पे मैंने आपको डॉट्स लगा दिए हैं कि चीजें कौन सी हमें चाहिए. द लाइन सेगमेंट्स विच वी हैव टू कंसंट्रेट, फर्स्ट इज ए बी, राइट, then you have BC and full length BD. तो इसका मतलब हमें ट्राइंगल्स लेने हैं, इन ट्राइंगल ए यस ए बी सी
जो स्मॉल वाला स्मॉल एक ट्राइंगल हो गया और बड़ा पूरा ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, राइट? ये तो हमें पता है। अब सिमिलर वर्ड आते ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, भाई सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, सेम प्रोपोर्शन में होंगी। अब हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखनी है। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखने का क्या मतलब है, देखो मैंने यहाँ पे ले लिया ए बी, अगर ए बी सी, अगर आप इस ट्राइंगल को देखते हो ये 90 डिग्री है तो ए बी इसका क्या बना, हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा, हाइपोटेन्यूज बना। इसका मतलब ए बी डी का भी हमें हाइपोटेन्यूज लेना पड़ेगा, वो क्या है, बी डी, उसके लिए तो हमें पक्का पता है कि इट इज बी डी, राइट? अब वी आर गोइंग टू टेक, अब हमने क्या लेना है, वी आर गोइंग टू टेक, यस अब हम लेंगे बेस, इसका बेस है बी सी, राइट, बी सी, और बड़े ट्राइंगल का बेस क्या है, ए बी, राइट? सो वो हमने ले लिया ए बी। नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्रिस क्रॉस, सो वी आर गोइंग टू गेट आवर आंसर। लीजिए आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, वाजंट इट इजी, यस। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट कैसे करना है, ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं ट्राई करके, इफ इट इज इजी तो लगेगा यार समझ में आ गया, नहीं तो फिर दोबारा समझा देंगे आपको, राइट? अब बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट ये कह रहा है ए सी का स्क्वायर इट इज इक्वल टू बी सी डॉट यस डी सी या फिर सी डी। अब हम अपने ना सेगमेंट देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। पहला सेगमेंट तो है ये रहा ए सी, ठीक हो गया, ए सी आ गया। अगला है बी सी, ठीक है, और सी डी, मतलब ये वाला सेगमेंट है और ये वाला सेगमेंट है। इसका मतलब इससे हमें आइडिया लग जाता है कि भाई हमें ना ये दोनों ट्राइंगल्स ही लेने हैं इस केस में। सो अब हमें तो मालूम है कि भाई जो 90 डिग्री के दो ट्राइंगल्स होते हैं सिमिलर होते हैं। सो ट्राइंगल ए बी सी इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल यस ए डी सी, ठीक है बेटा जी। तो अब हमारा ऑब्वियसली सिमिलर वर्ड आ गया, घंटियां तो बजनी शुरू हो गई, क्या घंटी बजी कि भाई आपकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम प्रोपोर्शन में है। तो अब हम क्या प्रोपोर्शन लेंगे, सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे लिया ए सी, ठीक है, ए बी सी में ए सी क्या बनेगा बेटा, परपेंडिकुलर, है ना, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हमारा है यस ए सी। अगर हम इसमें हम देखो मेरी बात पहले ध्यान से सुनो, हमने ट्राइंगल ले लिया जैसे ए बी सी ले लिया और हमने ले लिया ए डी सी, ये समझ में आ गया, ये स्टेप क्लियर है। अब देखो मैंने इस वाले ट्राइंगल में ना ये इस ट्राइंगल का मैंने बेस ले लिया ये बी सी, ठीक है, पहले हम उठा लेते हैं बेस बी सी। अब इस ट्राइंगल में ए सी डी में बेस क्या हुआ, ए सी, ठीक है कि नहीं, क्या होगा बेस, एसी तो होएगा, क्या करते हो, ठीक तो है। अब हमने क्या करना है, यस अब हम इसका क्या लेंगे, हमने पहले बेस ले लिया, अब हम इसका 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे, तो वो क्या है एसी, राइट, ओवर इसका क्या आएगा सीडी, राइट, अगेन आप क्या करोगे क्रिस क्रॉस, ठीक बेटा। तो जब आप क्रिस क्रॉस करोगे व्हाट यू विल गेट, एसी का स्क्वायर इट इज इक्वल टू बी सी राइट डॉट सी डी, क्लियर हो गई बात बेटा, यस तनिषा इज इट क्लियर। चलो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, चलो यस थर्ड पार्ट हमें वो कह रहा है कि भाई आपने ये प्रूव करना है, हम यहीं पे कर लेते हैं थर्ड पार्ट, फिगर देखना आसान हो जाता है, इट इज ए डी स्क्वेयर is equal to BD dot CD. अब अगेन हम अपने सेगमेंट्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है, AD तो ये रहा, इसका मतलब ये ADC तो जरूर आएगा, ठीक है, फिर है हमारा BD full length and CD, इसका मतलब आपको कौन से दो ट्राइंगल्स लेने, एक तो वो छोटे वाला और बड़े वाला पूरा ट्राइंगल, सो इट विल बी ट्राइंगल ACD, इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD, है ना जी, ये सिमिलर है हमारे दोनों ट्राइंगल्स। तो अब सिमिलर वर्ड आते ही हमें पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो सेम प्रोपोर्शन होती है। तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या ले, पहले हमने जो ए सी डी है हमने बोला कि ए डी जो है, ए डी उसका क्या है हाइपोटेन्यूज, राइट, ए डी ओवर यस ए डी, हमने पहले ए सी डी का ले लिया, सो वो क्या बन गया यस यस हाइपोटेन्यूज, तो बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कौन है
इट इज बीसी, राइट, इट इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट हम क्या लेंगे, यस बेटा हमने लेना है, हमें क्या चाहिए, बीडी। अब इस ट्राइंगल में बीडी है, अब बीडी का, बीडी हमारा जो है यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ बीसी लिख दिया, इट शुड बी बीडी, सॉरी, ठीक है। नाउ अब हमने क्या चाहिए, देखो बीडी हमारे पास आ गया, अब व्हाट वी नीड, वी नीड, यस हमें चाहिए सीडी। अब सीडी यहाँ पे क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग, यस परपेंडिकुलर, ठीक है जी। सो हमने यहाँ पे ले लिया सीडी, ओवर इसका परपेंडिकुलर कौन है, एडी। अगेन हम करेंगे क्रिस क्रॉस और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, इट विल बी एडी का स्क्वायर, राइट, इट इज इक्वल टू सीडी डॉट बीडी, यस। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, एंड विद दिस वी फिनिश ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 3। यस क्लियर बेटा।